वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकूटी आज आपको एक सप्ताह राशिफल बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों का पहला दो दिन तो थोड़ा ठीक जाएगा, कुछ इनके रुके हुए काम भी बनेंगे, कहीं इनका धन फंसा हुआ है तो इनका धन भी वापस आ जाएगा। लेकिन दो दिन बाद यानी 8 से 10 तारीख तो ठीक जाएगा, लेकिन 10 तारीख के बाद का जो 5 दिन होगा वो थोड़ा तनाव भरा होगा। बृहस्पति भी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी वजह से मन में थोड़ा सा तनाव भी रहेगा। इस बीच पे मन में डर की तिथियां बनेंगी, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि भगवान शिव जी पे जाए और एक पाव दूध जाके चढ़ा दे तो उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों का तो अभी दो दिन जो है 8 से 10 तारीख के बीच में इनके मन में सिर्फ धन के बारे में ही इनके मन में चलता रहेगा कि धन कहाँ से आएगा, ये धन देगा कि नहीं देगा, वो धन देगा कि नहीं देगा, बस धन के बारे में ही चलता रहेगा। लेकिन 10 तारीख के बाद क्या होगा कि कुछ मन परिवर्तन होगा, फिर इनका मित्रों पे, दोस्तों पे ऐसे करके इनका मन परिवर्तित होगा और छोटी मोटी यात्राओं का योग। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जाएगा, मन काफी प्रसन्न रहेगा। काफी टाइम से ये जिस चीज से लिए परेशान थे कि मतलब ये काम रुक रहा है, वो काम रुक रहा है, सारे काम बंद हो जा रहे हैं, ये सप्ताह काफी इनका खुशियों भरा रहेगा, इनकी इनकम भी अच्छी रहेगी। जो रोजगार के लिए परेशान थे उनको रोजगार मिल जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए परेशान थे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह काफी अच्छा है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों का। कर्क राशि वालों का समय थोड़ा सा शुरू में उलझनों भरा है, क्योंकि दो दिन इनका चंद्रमा डिस्टर्ब रहेगा तो इस टाइम पे इनको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है, कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर ये खुद हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं तो इनको किसी को देखने जा सकता है, कोई इनका रिश्तेदार है, हो सकता है वो एडमिट हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का योग बन रहा है और पैसे के व्यय का भी योग बन रहा है। तो कृपया पैसे खर्च करने में सावधानी बरतें, वरना इस टाइम पे आपका फिजूल पैसा खर्च हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का समय जो है मिला जुला रहेगा, ना तो बहुत अच्छा जाएगा ना तो बहुत खराब जाएगा, जैसा चल रहा था उसी तरह चलता रहेगा। 14 तारीख के जो पहले का जो समय है वो ऐसे मिला जुला चलता रहेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद थोड़ा सा इनके समय अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का मैक्सिमम जो ऐसी स्थिति में है कि रोजगार कर सकते हैं और या नौकरी कर सकते हैं, वो रोजगार नहीं लगा हुआ है या नौकरी नहीं लगी हुई है, तो उनका जिनका रोजगार नहीं लगा हुआ है उनको कुछ न कुछ रोजगार मिलने की स्थिति है। जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं फैक्ट्री लगा लेंगे, जो ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं ट्रेडिंग कर लेंगे, जो जॉब करना चाहते हैं वो जॉब कर लेंगे, उनकी नौकरी लग जाएगी। तो ये सप्ताह उनके रोजगार से रिलेटेड है। जो निर्यात करना चाहते हैं, जिनका सामान यहाँ पे काफी टाइम से पड़ा हुआ है, बाहर नहीं जा रहा है, निर्यात की स्थितियां नहीं बन रही हैं, वो अपना सामान भी देश से बाहर निर्यात कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का जो ये समय है लंबी यात्राओं का है। ये सप्ताह पूरी सप्ताह लंबी यात्रा करेंगे, या तो कोई अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनके बॉस उनको नौकरी के लिए इतना दूर भेज देंगे कि वो दूर ही मतलब यात्रा करते रहे। जो व्यवसायी हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको व्यवसाय के लिए इनको दूर जाना पड़ सकता है। और जो व्यवसायी भी नहीं है, जो नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, जो घर में बैठे हैं, उनको कोई भी कोई ऐसी सूचना मिलेगी या किसी के रिश्तेदारों की शादी हो रही होगी या किसी की डेथ हो जाएगी, मतलब दूर के स्थितियों का योग बनता है, दूर जाने का योग बनता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों का ये सप्ताह थोड़ा सा तनावपूर्ण है, रोग चोट की परिस्थितियां बनती हैं। ऐसे लोग कोशिश करें कि सप्ताह गाड़ी न चलाएं और कम से कम यात्रा करें, रोड पार करने में कृपया ध्यान दें, क्योंकि चोट की स्थितियां बन सकती हैं। इनकी किसी नजदीकी की मृत्यु का योग बनता है, इनको 100 यात्रा भी करनी पड़ सकती है, किसी की मृत्यु में भी जाना पड़ सकता है, ऐसी स्थितियां चल रही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का ओवरऑल देखा जाए समय काफी कमजोर है, काफी डिस्टर्ब है। तो मंगलवार को हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं तो इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों का तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, इनके नए नए मित्र बन रहे हैं और इनको नए नए व्यवसाय के इनके अवसर भी आ रहे हैं। इनकी जो योजनाएं बन रही थी उन योजनाओं को सफल होने का
समय भी आ गया, इनकी योजनाएं सफल भी हो रही हैं। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि इनकी जिनके अपने प्रेमी से या अपनी पत्नी से मनमुटाव की स्थितियां पहले बनी थी, इस टाइम पे इनके पास मौका है, एक गुलाब का फूल पकड़ाएं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी अगर प्रेमिका रूठी हुई है तो मान जाएगी, आपकी पत्नी अगर आपसे नाराज है तो वो मान जाएगी, तो बस एक गुलाब का फूल दीजिए और उनको मनाइए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का जो ये सप्ताह है वो रोग से, चोट से, बीमारियों से, कर्ज से, मतलब ऐसी स्थिति दिख रही है, और ये कुछ गलतियां भी करेंगे, मतलब ऐसा कुछ काम करेंगे जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कृपया मकर राशि वालों से निवेदन है कि गलतियां ना करें। रोग, चोट और बीमारी, कर्ज की स्थितियां बन रही हैं, तो कृपया पेशेंस से काम लें, भैरव जी पे जाके ये दूध चढ़ाएं, ताकि इनपे जो संकट है, जो रोग, चोट, बीमारी और कर्ज की स्थितियां बन रही है, इनको जाके इससे मुक्ति मिल सके। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का जो जिनके बच्चे हैं, मतलब या छोटे हुए बड़े, उनके मन में बस उन्हीं की चिंता लगी हुई है कि हमारे बेटा क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ, वो इनके बेटे साथ में रह रहे हैं तो उनको चिंता रहेगी आगे क्या करेगा। जिनका बेटा या बच्चा कोई या लड़की दूर रह रही है, पढ़ रही है या जॉब कर रही है या काम करने गए हुए हैं, उनको मन में चिंता कि हाय क्या हो रहा होगा, कहीं कोई कुछ हो ना जाए, मतलब एकदम पूरा दिमाग बच्चों पे केंद्रित रहेगा। तो उनसे निवेदन ये है कि अपने मन को कंट्रोल में रखें, उनके बच्चों पे ऐसा कोई संकट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, फर्स्ट क्लास उनका चल रहा है, फर्स्ट क्लास चलता रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशियों का वालों का जो समय है, उनके नए नए मित्र बनेंगे, नए नए साथी बनेंगे, और जिनका काफी टाइम से निगेटिव चला रहा था उनका भी अब भला होने वाला है। जिनका बहुत दिनों से कुछ हो नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनका भला हो जाएगा। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनका शादी होने का योग बन रहा है। जिनके जिनका व्यवसाय नहीं बन पा रहा था, जो बहुत दिनों से व्यवसाय के लिए परेशान थे, उनका व्यवसाय, मतलब व्यवसाय बढ़ने का योग बन रहा है। या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो परेशान थे, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी करने का मौका मिल जाएगा और काम भी इनका आगे चल के अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके ग्रह आगे अच्छे आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।